हेलो एवरीवन दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन हाउ टू कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ एसिड्स तो जो टिपिकल एसिड्स होते हैं उनकी रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे टिपिकल एसिड्स बिहेव करते हैं तो वो रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह भी बिहेव करते हैं अब प्रॉब्लम यह होती है कि हमको ये समझना है कि कब कोई भी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कब वो एक टिपिकल एसिड की तरह बिहेव करेगा जैसे जनरल नॉर्मल एसिड्स की ही रिएक्शंस होती हैं तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है जब डायल्यूट होता है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो एक टिपिकल एसिड की तरह बिहेव करता है लेकिन अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड होता है उसी तरीके से अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट जब होता है तब ये एक टिपिकल एसिड की तरह बिहेव करता है लेकिन एसिड कम डाइल्यूट है नाइट्रिक एसिड अगर कम डाइल्यूट भी है क्योंकि नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो अगर ये कम डाइल्यूट भी है मतलब बहुत ज्यादा आपने इसको डाइल्यूट नहीं भी किया है तब भी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और तभी नहीं जब कंसनट्रेटेड होता है तब तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड एज कंपेयर टू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हम हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होता है आप कह सकते हो कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वीक होता है वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अब आपको ये समझना है कि एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है उनके टेंडेंसी टू तो गिव H प्लस आयंस एच प्लस, एच प्लस या आप कह सकते हो हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म करते हैं जब वो वाटर में मिक्स होते हैं तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एच टू एसओ फोर एच टू एसओ फोर को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन टू हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन तो मैंने आपके क्वेश्चन के पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो किस चीज पे डिपेंड करता है टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोनियम आयन दे आर डिजोल्व इन वाटर तो देखिए जो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन देगा वाटर में डिजोल्व करने पे वो क्या होगा वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा जो डाइल्यूट एसिड होता है डायल्यूट एसिड क्या होता है डायल्यूट एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है तो वो क्या होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वाटर के साथ कंबाइन होके और फॉर्म करेगा हाइड्रोनेमाइन लेकिन जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है H2SO4 की क्वांटिटी ज्यादा होगी और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी कम होगी तो इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिलेंगे नहीं जिनके साथ वो आयन बना पाए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की जो वहां पे कंसनट्रेशन है वाटर का क्या है कम है तो वाटर क्या है वहां पे कम है तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलेंगे नहीं जिनके साथ वो कंबाइन होकर आयन फॉर्म कर पाए तो इस वजह से इस वजह से वो ज्यादा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं कर पाता और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है तो इसीलिए आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं पार्शियली डिसोसिएट होते हैं तो इस वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है और हाइड्रोनियम आयन नहीं फॉर्म कर पाता है इस वजह से ये क्या होता है वीक एसिड होता है कम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं तो अब हम इनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी देखेंगे कि, कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखिए डायलूट या फिर यहाँ पे एच के, के केस में बहुत ज्यादा डायल्यूट जो होता है तब ये क्या फॉर्म करता है तब ये एक टिपिकल एसिड की तरह बिहेव करता है उसी तरीके से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी एक टिपिकल एसिड की तरह बिहेव करता है लेकिन जब ये कंसनट्रेटेड होते हैं तो ये टिपिकल एसिड की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह बिहेव करेंगे ये बिहेव करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो ध्यान रखिए जब भी एच एन ओ थ्री ध्यान रखिए एच एन ओ थ्री अगर आपके पास है हॉट एंड कंसनट्रेटेड ध्यान रखिए अगर ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो ये फॉर्म करेगा जनरली वाटर कभी कभी वाटर नहीं भी फॉर्म करता है अगर वाटर दूसरी साइड में होता है और एक चीज ये जरूर फॉर्म करता है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये चीज ध्यान रखिए HNO, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म जरूर करेगा वाटर आपको बैलेंस करना पड़ेगा उस तरफ है या नहीं है देन दूसरी चीज जब एच एन ओ थ्री ही हॉट एंड कंसनट्रेटेड या फिर हॉट एंड डाइल्यूट भी है तब भी ये सेम रिएक्शन करेगा तो हॉट अगर है चाहे वो कंसेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जरूर फॉर्म करेगा और अगर ये क्या है कोल्ड और एंड डाइल्यूट है ध्यान रखिए अगर ये कोल्ड और डाइल्यूट है तो ये फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ नाइट ऑक्साइड तो ये फॉर्म करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड ध्यान रखिए इस चीज का कि अगर ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड है या फिर हॉट एंड डाइल्यूट है अगर हॉट है चाहे वो कंसनट्रेटेड या डायलूट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और कोल्ड और डायलूट है तो ये फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और एक और चीज है अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करते हैं H2SO4 तो ये क्या फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड ये फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो ये पॉइंट तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या फॉर्म होता है राइट right? अब एक और चीज का आपको ध्यान रखना है वो है कि किस सब्सटेंस को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है तो ध्यान रखिए मेटल्स जो होते हैं ध्यान रखिए मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर हो गया जिंक हो गया तो अगर HNO3 होगा तो HNO3 कॉपर या जिंक को किसमें कर देगा करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट में कॉपर नाइट्रेट में जिंक नाइट्रेट में आयरन होगा तो वो फेरस नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेगा उसको उसी तरीके से जो होगा वो में कन्वर्ट करेगा फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट या या फेरिक फिर वो किस में कन्वर्ट करेगा जो कॉपर होगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में जिंक को जिंक सल्फेट में तो ये रिएक्शन अब किस तरीके से होंगी इस चीज का ध्यान दीजिए तो सबसे पहले मैंने क्या बोला HNO3 HNO3 मेटल्स का हम बात करेंगे अगर तो मेटल्स का रिडक्शन देखेंगे मेटल्स को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करते हैं तो देखिए जैसे कॉपर है तो कॉपर प्लस एच तो अभी हम बात करते हैं कोल्ड एंड डायल्यूट एच की अगर हमारे पास कोल्ड और डायल्यूट है तो ये क्या फॉर्म करेगा ध्यान रखिए मैंने अभी बताया आपको ये क्या फॉर्म करेगा एक तो कॉपर को किस में कन्वर्ट कर लेगा सी यू एनओ थ्री होल्डस कॉपर नाइट्रेट में क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस क्या फॉर्म करेगा साथ में एच टू ओ और साथ में क्या फॉर्म करेगा NO, ओ दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो बहुत इजीली. तो आप इसको बैलेंस कीजिए थ्री एट देन वी हैव थ्री देन हियर टू एंड फोर तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो तो ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो गई एक बार आपको ये पता चल गया कि क्या क्या फॉर्म होगा तो मैंने क्या बोला कॉपर से कॉपर नाइट्रेट एस टू एस NO टू एनओ फॉर्म होगा उसी तरीके से अगर हमारे पास जिंक है तो जेड एन प्लस एच एन ओ थ्री तो रिएक्शन जो होगी वो सेम होगी तो यहां पे हमारे पास क्या है थ्री जेड एन प्लस एट एच एन ओ थ्री रिएक्शन क्या होगी सेम होगी तो ये क्या फॉर्म करेगा थ्री जेड एन एन ओ थ्री होल्डस प्लस फोर एच टू ओ प्लस टू एनओ NO. तो रिएक्शन आपके पास सेम आ गई उसी तरीके से अगेन ध्यान दीजिए ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है ये भी क्या है कोल्ड एंड डाइल्यूट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अगर आयरन होगा आयरन का आपको बहुत ध्यान रखना है तो आयरन जो होगा एफ ई एफ ई को ये कन्वर्ट करेगा एफ ई एन ओ थ्री ट्वाइस में देन साथ में यह फॉर्म करेगा एच टू ओ प्लस NO. तो ये तो रिएक्शन थी जब ये क्या है कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो मैंने क्या बोला मेटल्स को ये किस में कन्वर्ट कर लेता है करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स में और साथ में क्या फॉर्म करता है NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड कब जब कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा अब क्वेश्चन यही आता है कि ये तो रिएक्शन थी कोल्ड एंड डाइल्यूट की कंडीशन अब अगर ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो क्या करेगा तो ध्यान रखिए अगर मेरे पास हॉट एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो तब रिएक्शन क्या होती है तो सी यू प्लस एच एन ओ थ्री मैंने आपको बताया था हॉट एंड कंसेंट्रेटेड में कॉपर को किसमें कन्वर्ट करेगा NO3 थ्री ट्वाइस प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा प्लस NO2 टू यहां पर ध्यान रखिए यहां पे, पे NO नहीं फॉर्म करेगा यहां पे क्या फॉर्म करेगा NO2 टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं फॉर्म करेगा तो आप अब इसको बैलेंस कर सकते हो बहुत इजीली So, I hope ये आपको समझ में आ गई होगी रिएक्शन तो बहुत इजीली अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो उसी तरीके से जिंक की रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हो जेड एन प्लस फोर एच एन ओ थ्री तो जिंक की भी जो रिएक्शन होगी वो सेम होगी जेड एन एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस टू एच टू ओ प्लस टू एनओ टू बट आयरन जो होता है यहां पर देखिए उसने किसमें कन्वर्ट किया इसको फेरस में दैट इज आयरन टू ध्यान रखिए दिस इज आयरन टू नाइट्रेट ये हमारे पास आयरन टू नाइट्रेट या आप इसको क्या कह सकते हो फेरस नाइट्रेट लेकिन यहाँ पे वो फेरस नहीं यहाँ पे फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है दैट इज आयरन तो ध्यान रखिए यहाँ पे इसको ये कन्वर्ट करता है आयरन थ्री नाइट्रेट में तो एच एन ओ थ्री तो ये क्या फॉर्म करेगा एफ ई एन ओ थ्री होल थ्राइस तो ध्यान रखिए दिस इज आयरन इसको हम क्या कहेंगे आयरन थ्री नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट आयरन थ्री नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट प्लस बाकी सेम हमारे पास क्या बचता है थ्री एच टू ओ प्लस थ्री एनओ टू तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि आयरन को अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो आयरन को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है फेरस नाइट्रेट में फेरस सॉल्ट में और अगर कंसंट्रेटेड है तो किसमें कन्वर्ट कर देता है फेरिक सॉल्ट में दैट इज आयरन थ्री नाइट्रेट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है एन एजेंट सेम सल्फ्यूरिक एसिड का है तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड वाटर और साथ में जो सब्सटेंसेस हैं मेटल्स हैं अभी हम मेटल्स की ही बात कर रहे हैं तो मेटल्स को वो इसी तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा जिस तरीके से कौन कर रहा है जिस तरीके से नाइट्रिक एसिड कर रहा है तो अगेन अगर हम रिएक्शन देखें देखिए कॉपर की अगर हम रिएक्शन देखें तो कॉपर को अगर एच टू एसओ फोर के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा ध्यान रखिए कॉपर को अगर आप एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट करोगे तो मैंने क्या क्या बताया था आपको पहले कॉपर को किस में कन्वर्ट करेगा कॉपर सल्फेट में साथ में फॉर्म करेगा एच टू ओ प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इस चीज को आप कभी भी मत भूलिए कि ये क्या फॉर्म करेगा एच टू ओ और सल्फर डाइऑक्साइड अब आप ये सोचोगे कि आपने ऐसी एक रिएक्शन पढ़ी अगर हम जिंक की बात करें पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए तो ये किस तरीके से बैलेंस होगी ये बैलेंस हो चुकी है उसी तरीके से अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक की बात करें तो जिंक को किसम ऑक्सराइज करेगा जिंक प्लस एसट्रो एसोफोड तो क्या हो जाएगा ये ध्यान रखिए यहां पे क्या होता है कंसनट्रेटेड यहां पे कंसनट्रेटेड की जरूरत होती है तो यहां पे जैसे ये किसका था हॉट एंड कंसनट्रेटेड तो यहां पे मैं सिर्फ कंसनट्रेटेड लिख रहा हूं राइट देन ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा जेड एन एस ओ फोर प्लस टू एच टू ओ प्लस एस ओ टू अब आपने एक रिएक्शन पहले पढ़ी होगी जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर गिव जेड एन फोर प्लस एच टू राइट अब आप सोचते हो कि भाई ये रिएक्शन सही है या ये रिएक्शन सही है तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि यहां पे एस्टो एक एसिड की तरह बिहेव कर है, टिपिकल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो मेटल्स के साथ जब भी कोई टिपिकल एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते, है? करते हैं हाइड्रोजन लिबरेट करता है लेकिन ये क्या था ये तो डाइल्यूट था ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था आपने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी लास्ट ईयर ये रिएक्शन पढ़ी होगी बट अब क्या है हमारे पास कंसंट्रेटेड है तो आप इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिए अगर कंसंट्रेटेड होगा तो ये रिएक्शन होगी न कि ये रिएक्शन ये किसके लिए है डाइल्यूट के लिए ध्यान रखिए और यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं बिहेव कर रहे हो यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहे हो यहां पे टिपिकल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है तो ये रिएक्शन हो जाएंगी आपके पास तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई भी रिएक्शन किस तरीके से होती है अब देखिए ये तो बात थी मेटल्स की उसी तरीके से आप नॉन मेटल्स की भी बात कर सकते हैं तो देखिए आपको ध्यान में क्या क्या रखना है पहली चीज ये ध्यान में रखना है कि अगर जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा अगर वो हॉट है और कंसनट्रेटेड है या डायल्यूट है तो और अगर ये कोल्ड और डायल्यूट है तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट करता है जैसे कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में जिंक को जिंक नाइट्रेट में और आयरन को फेरस नाइट्रेट में जो अगर डायल्यूट एंड कोल्ड होगा तो और अगर कंसनट्रेटेडेडेड या फिर हॉट होगा तो क्या फॉर्म करेगा कॉपर को तो वही कॉपर नाइट्रेट में जिंक को जिंक नाइट्रेट में लेकिन आयरन को किस में करेगा फेरिक नाइट्रेट में आयरन थ्री नाइट्रेट में तो बस ये पॉइंट तो अब आपको कंपाउंड्स पता चल जाएंगे प्रोडक्ट पता चल जाएगी तीन प्रोडक्ट मिल गए यहाँ प्रोडक्ट मिल गए यहाँ पे ये यह तीन प्रोडक्ट मिल, मिल गए और फिर आपको क्या करना है केवल रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप उसके बाद इजिली रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो सेम आपको सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी कन्वर्ट करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या मिलेगा आपको एक तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा

हॉट एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो देखिए एच एन ओ थ्री जो होता है ये कार्बन को करता है किसमें ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर को करता है ये सल्फ्यूरिक एसिड में ध्यान रखिए और फॉस्फोरस को करता है H3PO4 थ्री पीओ फोर दैट इज फॉस्फोरिक एसिड में उसी तरीके से जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड भी सेम ऐसा ही करता है एक्सेप्ट सल्फर तो कार्बन को करता है कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर को करता है सल्फर डाइऑक्साइड में ध्यान रखिए सल्फर को ये सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं करता किसमें करता है कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड में और जो फॉस्फोरस होता है फॉस्फोरस को यह भी एस में ही कन्वर्ट करता है तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर को जो नाइट्रिक एसिड uh, होता है वो सल्फेरिक एसिड में और जो सल सल्फरिक एसिड होता है वो कटता है सल्फर डाइऑक्साइड में और फॉस्फोरस को कन्वर्ट करते हैं दोनों के दोनों किस में फॉस्फोरिक एसिड में तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है और अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन होता है कार्बन प्लस एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन देख लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड मैंने बोला कार्बन को किसमें कन्वर्ट करता है सीओ टू में प्लस साथ में मैंने आपको बताया था क्या फॉर्म करता है एच टू ओ प्लस टू तो ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एच टू और एनओ NO टू तो साथ में फॉर्म होगा तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए तो ये हो जाएगा फोर टू एंड आई थिंक अब आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है तो इस तरीके से आपको बस रिएक्शन बैलेंस करनी है प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा उसी तरीके से सल्फर सल्फर के साथ देखिए सल्फर प्लस एच एन ओ थ्री तो ये तो क्या फॉर्म करेगा सल्फर को मैंने क्या बताया अभी ये किस में कन्वर्ट करता है एच टू एसओ फोर प्लस साथ में ये क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है एच टू ओ प्लस साथ में फॉर्म करता है एनओ टू तो अब बस आपको इसको भी बैलेंस करना है तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे तो ये फॉर्म करेगा एच टू से फोर फॉर्म हो रहा है देन ये सिक्स एनओ टू फॉर्म करेगा तो यहाँ पे पहले इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए अब एच टू और एच टू तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो चुके हैं सो वी हैव टू मोर हाइड्रोजन हेयर तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बस आपको अब रिएक्शन बैलेंस करनी है उसी तरीके से मैंने क्या बोला फॉस्फोरस के लिए तो फॉस्फोरस को किसमें कन्वर्ट करता है एच एन ओ थ्री किसमें कन्वर्ट करता है ये कन्वर्ट करता है एस थ्री पीओ फोर दैट इज फॉस्फोरिक एसिड प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है ये साथ में फॉर्म करता है एच टू ओ प्लस एन ओ टू तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इसके साथ एक ऑक्सीजन लगेगा और एस थ्री पीओ फोर के साथ ऑक्सीजन लगेगा तो जनरली आप देख सकते हो चार और एक पांच तो आप इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए फाइव तो अगर हम फाइव यूज करेंगे फाइव एच एन ओ थ्री थ्री प्लस टू ये हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है एंड ऑल वी हैव इज फाइव NO2 तो इस तरीके से आपने बस रिएक्शन बैलेंस करनी है एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद रिएक्शन बैलेंस करनी है अब सेम किस किस किसके लिए लिए होगा ये होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी तो मैंने क्या बताया आपको जो कार्बन होता है कार्बन क्या करता है कार्बन H2SO4 के साथ अगर आप ट्रीट करोगे इसको तो ये कार्बन किसमें कन्वर्ट करता है इसको कार्बन इसको करता है कन्वर्ट CO2 में प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा H2O और साथ में फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड तो इस तरीके से आपको पहले रिएक्शन लिखनी और अब सिर्फ आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करेंगे तो हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए टून टू एच टू ओ तो एंड टू एस ओ टू तो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी तो ये रिएक्शन इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो देन उसी तरीके से हमारे पास सल्फर है तो देखिए सल्फर की रिएक्शन थोड़ा सा एच एन ओ थ्री से अलग हो जाएगी तो सल्फर को अगर आप किसके साथ एच टू एसओ फोर के साथ ट्रीट करोगे एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो फॉर्म कर ही रहा है तो अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो इजिली तो ये किस तरीके से बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू थ्री एस ओ टू और अगेन टू एच टू तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो तो इजीली रिएक्शन बैलेंस हो गई सेम अब के केस में करोगे तो फॉसफोरस को किसके साथ आप ट्रीट करोगे एच टू एस ओ फोर के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां से एच टू एस ओ फोर के साथ ध्यान रखिए क्या मिलेगा यहां पे एच थ्री पीओ फोर मिलेगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे एस थ्री पी ओ फोर और जो ऑब्वियस कंपाउंड होते हैं दैट इज एच टू ओ प्लस एसओ टू तो इसका आपको ध्यान रखना है तो जैसे पिछले केस में आपने देखा फाइव है तो यहाँ पे फाइव लिख लीजिए तो ये फाइव हो गया हमारे पास देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5SO2, तो यहाँ पे अभी भी बैलेंस नहीं हो रही रिएक्शन टू आप यूज कर लीजिए टू पी तो जिस तरीके से आप बैलेंस करते हो उस तरीके से आपको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन सिक्स और टू एच टू तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई तो ये तो था कि नॉन मेटल्स को वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो बस आपको ध्यान रखना है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं दोनों के दोनों चाहे वो नाइट्रिक एसिड है चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है उसी तरीके से फॉस्फोरस को करते हैं फॉस्फोरिक एसिड में और सल्फर को जो नाइट्रिक एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है तो अब हम बात करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले आपके पास आता है जैसे H2S तो H2S को दोनों कन्वर्ट करते हैं किसमें एस में सल्फर में एच टू एस को ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर लेते हैं सल्फर कर लेते हैं फॉर्म तो देखिए जैसे तो क्या फॉर्म करेगा मैंने भी आपको बताया दैट इज सल्फर प्लस साथ में फॉर्म करेगा एच टू ओ और एनओ NO. तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्री देन सल्फर बैलेंस कीजिए थ्री और यहां पे हो जाएगा टू देन दिस इज फोर एच टू प्लस हमारे पास हो जाएगा ये टू एनओ तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी तो जस्ट आपको उसके बाद बैलेंस ही करना है तो जैसे मैंने बताया एच टू एस को किसमें कन्वर्ट करता है एस में तो उसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड की भी रिएक्शन लिख सकते हो एच टू एस प्लस एच टू एसओ फोर तो इसको किसमें कन्वर्ट करता है मैंने अभी आपको बताया किसमें कन्वर्ट करता है सल्फर में कन्वर्ट करता है प्लस अगेन एच टू ओ यहाँ पे आएगा तो एच टू ओ प्लस एस ओ टू अगेन यहां पे देखिए एच टू और SO2 टू तो फॉर्म हो गई बस आपको इसको क्या करना है बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करोगे आप बैलेंस आप करोगे हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा टू एच टू तो आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो तो सल्फर में ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं को को उसी तरीके से एक और कंपाउंड आता है दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडाइड तो दोनों दोनों के कन्वर्ट दोनों कर देते हैं किसमें आयोडीन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन आयोडाइड को दोनों कन्वर्ट कर लेते हैं आयोडीन में तो रिएक्शन अगेन लिखिए क्या हो जाएगा एच प्लस HNO3 ये फॉर्म करेगा आई टू प्लस एच टू ओ प्लस एनओ ध्यान रखिए यहां पे मैं एनओ NO इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम यूज करते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो इसको ऑक्सीडाइज करता है तो अब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए और क्योंकि रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुके आप इसको बैलेंस कर सकते हो तो बैलेंस कैसे करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको बैलेंस कर सकते हो यहां पे आप लिख सकते हो सिक्स देन टू वी हैव थ्री आई टू प्लस फोर एच टू ओ प्लस टू एन ओ तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी देन उसी तरीके से आप और भी सब्सटेंसेस को कर सकते हो जैसे SO2 टू को तो ध्यान रखिए जो एस ओ टू होता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को करता है देखिए सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फर डाइऑक्साइड को कर नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑक्सीडाइज होकर खुद सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो खुद सल्फर डाइऑक्साइड वापस फॉर्म कर लेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड तो पहले भी था तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं करता है कौन करता है HNO3 तो ध्यान रखिए कौन करता है इसको केवल HNO3 HNO3 तो SO2 को HNO3, किस में कन्वर्ट करता है ये आपको ध्यान रखना है ये करता है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड में अब यहां पर एक प्रॉब्लम है रिएक्शन में आप देख सकते हो कि इधर जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इधर हाइड्रोजन ज्यादा इधर कम है तो इसलिए वाटर इधर नहीं आता है वाटर इसमें इस साइड आता है प्लस एच टू ओ जो होता है वो इस साइड आएगा तो इधर होगा एच टू एस ओ फोर प्लस साथ में क्या फॉर्म होगा जो हो ही रहा था हमारे पास दैट इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये तो फॉर्म होगा एच टू इस समय इस में रहेगा तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए हो जाएगा थ्री टू एंड देन अगेन यह हमारे पास होगा थ्री एच टू फोर और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वाटर है तो ये हो जाएगा टू एच टू और यहाँ पे टू एनओ no, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि हम कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का केस आप ध्यान रखिए सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता है देन उसके अलावा हमारे पास और भी कंपाउंड्स हैं जैसे कि एफ ई एस ओ फोर तो फेरस सल्फेट को दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें फेरिक सल्फेट में दैट इज एफ टू SO4 फोर होल्थ राइस बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों केसेस में चाहे नाइट्रिक एसिड हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो दोनों केसेस में हमको जरूरत होती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि दोनों केसेस में आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी नाइट्रिक एसिड की तो हमारे पास यहाँ पे है एफ प्लस so ध्यान रखिए साथ में होगा हमारे पास एच टू एसओ फोर और साथ में एच एन ओ थ्री तो ध्यान रखिए मैंने आपको क्या बताया था एफ एसओ फोर किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं एफ ई टू एसओ फोर होल थ्राइस में तो आप इसको लिख लीजिए एफ ई टू एसओ फोर होल थ्राइस प्लस साथ में जो आपको पता है ऑलरेडी जो सब्सटेंसेज फॉर्म होते हैं साथ में फॉर्म करता है एच टू ओ और साथ में फॉर्म करता है एनओ NO. आपको याद होगा ये रिएक्शन हम यूज करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए तो ये रिएक्शन ब्राउन रिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट होती है तो हम क्या करेंगे अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा सिक्स यहाँ पे आ जाएगा थ्री देन टू यहाँ पे हमारे पास अगेन हो जाएगा थ्री यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फोर एंड देन हियर वी हैव अगेन टू तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को इजीली कंप्लीट कर सकते हो तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी देन उसी तरीके से अगर केवल सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करोगे सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा कंसनट्रेटेड यूज करते हैं तो अगर एफ को आपको कन्वर्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो एस टू एसओ फोर के साथ ये क्या फॉर्म कर लेगा एफ ई टू एस ओ फोर होल थ्राइस प्लस अगेन एच टू ओ प्लस यहां पे साथ में क्या आ जाएगा एसओ टू आ जाएगा तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए तो देखिए प्लस टू एच टू एसओ फोर देन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टू एच टू प्लस एसओ टू तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ, आ हो। यहाँ पे आएगा टू टू फोर हो गया देन टू एच टू तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स कौन से फॉर्म होंगे और वो फॉर्म करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है ये अब एसिड्स के लिए आपको पता चल चुका है अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड की तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है तो आपको ऑलरेडी पता है जैसे फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है वो जो केमिकली कंबाइंड वाटर होता है उसको कंप्लीटली रिमूव कर सकता है तो जैसे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज हो गया सी सिक्स एच तो ग्लूकोज से क्या करता है कंप्लीटली जो एच टू ओ होता है वो रिमूव कर लेता है तो क्या फॉर्म करता है सिक्स सी प्लस सिक्स एच टू ओ तो वाटर जो केमिकली कंबाइंड वाटर है कौन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो कंप्लीटली इसको क्या कर लेता है रिमूव कर लेता है तो जो आपको कार्बन मिलता है एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है तो इस तरीके की रिएक्शंस भी आपके पास आ सकते सकते हैं हैं पूछी जा सकते हैं कि क्या होता है अगर आप ग्लूकोज के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है बेसिकली वो कार्बन होता है तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी उसी तरीके से जैसे कॉपर सल्फेट है जो हाइड्रेटेड होता है सीयूएसओ फोर डॉट फाइव एच टू जिसका कलर कैसा होता है ब्लू होता है अगर आप इसमें डालोगे तो ये क्या करता है ये वाटर लेता है क्योंकि इसका अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो चुका है तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच